तो यार वो कैसे हो। और आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इफ का नए एपिसोड के बारे में। इस एपिसोड में बताया गया है कि क्या हो अगर एवेंजर्स जॉम्बी बन जाएं, क्या हो कि स्कारलेट विच विच के साथ साथ जॉम्बी बन जाएं। तो जानते हैं इस पूरे एपिसोड की कहानी, चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हल्क बायफ्रॉस्ट से सीधे अर्थ पर गिरता है, सीधे सैंटम सेंटोरियम में, यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज रहता है। अब ओरिजिन टाइमलाइन में हल्क सैंटम सेंटोरियम में गिरता है, तब वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज वॉन्ग होते हैं, बट यहाँ सैंटम सेंटोरियम में खाली पड़ा है सिवाय डॉक्टर स्ट्रेंज के चोगे के, जो बैनर को ऊपर से देख रहा होता है। तभी वैनर सैंक्टम सेंटोरियम के बाहर आता है और उसने वही कपड़े पहने हैं जिन कपड़ों को हमने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में स्ट्रेंज को पहने हुए देखा है। और अब यहाँ शिप से टेलीपोर्ट होते हैं ब्लैक ड्राफ्ट और एबनी मो, और यहाँ बैनर अपने आप को चांटे मारता है हल्क को बाहर लाने के लिए, लेकिन हल्क बाहर नहीं आता क्योंकि वो अभी जस्ट थैनोस से मराई खाकर आया होता है। अब यहाँ एबनी मो अपनी स्पीच देता है, तभी उसके पीछे से एक पोर्टल खुलता है जिसमें से आयरन मैन का हाथ आता है और पीछे से मो पे लाइट अटैक करता है, और डॉक्टर स्ट्रेंज और वॉन्ग आयरन मैन तीनों मिलके ब्लैक ड्राफ्ट और एबनी मो को बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार देते हैं। यह देख बैनर शॉक हो जाता है, तभी बैनर देखता है कि आयरन मैन, वॉन्ग, डॉक्टर स्ट्रेंज जॉम्बीज बन चुके हैं और साथ ही साथ उन्होंने ब्लैक ड्राफ्ट और एबनी मो को भी जॉम्बी बना दिया है। अब ये तीनों और ब्लैक ड्राफ्ट और एबनी मो बैनर को खाने के लिए उस पर अटैक करते हैं, तभी डॉक्टर स्ट्रेंज का वो चोगा बैनर को बचाने की कोशिश करता है। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज पोर्टल खोलता है लेकिन उसके चोगे की वजह से वॉन्ग का सिर पोर्टल से कट जाता है, जैसे कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में ब्लैक ड्राफ्ट का हाथ कट गया था, वो भी वॉन्ग की वजह से। तभी अचानक यहाँ पर बहुत सारी मक्खी आती हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज, वॉन्ग, एबनी मो, ब्लैक ड्राफ्ट सबको खा जाती हैं, और लास्ट में यहाँ आती है वॉफ्स यानी कि होप वैन डाइन, जो कि आयरन मैन के सिर को ब्लास्टर मार के अलग कर देती है और इस सिर को एंट्स खा लेती हैं। यह देख बैनर उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो इस पर होप बोलती हम ही हैं जो बचे हैं। और तभी यहाँ पर आता है स्पाइडरमैन जो कि बैनर को ले जाता है किसी सेफ जगह पे। अब वॉचर यहाँ बताता है कि यह सब हुआ कैसे, सारे लोग जॉम्बी बने कैसे। तो हुआ कुछ ऐसा था कि 2 हफ्ते पहले डॉक्टर हैंग पिम क्वांटम रैम में गए अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए, जो कि 30 साल पहले क्वांटम रैम में गई थी और वहाँ पर फंस के रह गई थी। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि इस टाइमलाइन में जेनेट वैन डाइन यानी हैंग पिम की वाइफ को एक अलग क्वांटम वायरस लग जाता है जिससे वो जॉम्बी बन जाती है, और यहाँ पर डॉक्टर हैंग पिम को भी वो इन्फेक्ट कर देती है और दोनों क्वांटम से बाहर आते हैं। तो यह इस यूनिवर्स का नेक्सस इवेंट था जिसने सारे अर्थ पे सबको जॉम्बीज बनाया। जेनेट और डॉक्टर पिम क्वांटम रैम से आते ही स्कॉट लैंग को भी इन्फेक्ट कर दिया, बट इसमें उनकी डॉटर होप बच जाती है। करीब 24 घंटे के अंदर अंदर पूरा पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट इन्फेक्टेड हो जाता है। यहाँ पर एवेंजर एक साथ आते हैं इन सबको रोकने के लिए, जिसमें होते हैं कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, ब्लैक विडो, हॉकआई और ब्लैक पैंथर। बट इस वक्त आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका की बनती नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ह्यूमैनिटी की फेट के लिए साथ में आते हैं लड़ने के लिए। बट कैप्टन अमेरिका को आते ही डॉक्टर हैंग पिम छोटा होकर उनकी गर्दन पर जाके उनको काट देता है, जिससे वो इन्फेक्ट हो जाते हैं और इस तरह सारे एवेंजर्स इन्फेक्ट कर दिए जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ हमें स्पाइडरमैन दिखता है जो कि ब्लॉग बना रहा है, और यहाँ दूसरी तरफ हमें हैप्पी दिखता है जो कि आयरन मैन का बॉडीगार्ड था, और उसकी टी शर्ट पर लिखा है आई एम नॉट सिंगल, आई एम सेविंग फॉर माई सेल्फ फॉर थॉर। अभी इस वक्त थॉर गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी के यहाँ पर होगा, उसको तो टाइम लगेगा अभी अर्थ पे आने के लिए। अब यहाँ स्पाइडरमैन कुछ हमको रूल्स बताता है। फर्स्ट रूल, हमेशा फुल लॉन्ग स्लीव कपड़े पहनो, यानी पूरी बॉडी को हमेशा कवर रखो, क्योंकि जॉम्बीज जब काटते हैं तो उनके सलाइवा से यह वायरस फैलता है। तभी हमें दिखाया जाता है कर्ट, जिसको हमने एंटमैन मूवी में देखा था, जो कि कंप्यूटर कीड़ा था। दूसरा रूल, हमेशा क्लीन रहो, बॉडी की स्मेल से भी जॉम्बी अट्रैक्ट हो सकते हैं, और यहाँ पर हमको दिखाया जाता है बकी। थर्ड रूल, हमेशा जॉम्बी के सिर पर निशाना लगाओ, और हमें यहाँ दिखती है शैरन कार्टर। अब यहाँ जनरल ओकोई दिखती है जो कि अपना इंट्रोडक्शन डॉक्टर बैनर को देती है और बताती है कि टीचाला मिसिंग है जब से वो एवेंजर्स के साथ लड़ने गए थे सैन फ्रांसिस्को में। अब यहाँ बाहर से एक व्यू दिखता है जिसमें से सारे लोग स्पाइडर वेव की मदद से हवा में ट्रेन के डिब्बों को अपना हेडक्वार्टर बना लिया। अब हवा में इसलिए बना रखा है क्योंकि हवा में जॉम्बी तो आ नहीं सकता। अब यहाँ इन सबको पता चलता है कि दूसरे सर्वाइवर्स ने वायरस का इलाज ढूंढ लिया है, और उसकी लोकेशन है कैंप लेहाई, जो कि न्यू जर्सी में है, जो कि शील्ड का पहला बेस ऑपरेशन था, और यह वही जगह है जहाँ पर कैप्टन अमेरिका की ट्रेनिंग भी हुई थी सुपर सोल्जर बनने से पहले, और यह वही जगह है जहाँ पर टोनी और कैप्टन अमेरिका एंड गेम में टेसरेट लेने गए थे। अब यह सारे लोग वहाँ जाने का प्लान बनाते हैं, और ये लोग हैंग पिम की वो गाड़ी जो छोटी बड़ी हो जाती है उसमें बैठ के जोम्बियों से बचते हुए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर पहुँचते हैं। यह वही जगह है जिसको हमने एवेंजर्स 2012 में देखा था जब चितौरी आर्मी ने अर्थ पे अटैक किया था। तो अब इस स्टेशन में सब लोग आ जाते हैं, लेकिन तभी ओकोई सबसे कहती कि सब बढ़ जाए, लेकिन स्पाइडरमैन को यह सही नहीं लग रहा था स्प्लिट होना। फिर सारे लोग बढ़ जाते हैं। अब यहाँ बकी ओकोई के साथ, शैरन कार्टर हैप्पी के साथ, कर्ट, बैनर, होप और स्पाइडरमैन एक साथ, जो कि ट्रेन को स्टार्ट करने में लगे हुए थे,
यहाँ पर ट्रेन के इग्निशन काम नहीं करते हैं, जैसे किसी को ट्रेन को पुश करना पड़ेगा। यह काम स्पाइडरमैन करता है अपने स्पाइडर वेब की मदद से, वो ट्रेन को पुल करता है। यहाँ पर हैप्पी आयरन मैन का एक टैग यूज कर रहा था, जो कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में हमने टोनी को यूज करते हुए देखा था, और वो हर शॉट के साथ कह रहा था ब्लैम 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 ब्लैम। और जहाँ दूसरी तरफ हॉकाय शेरन कार्टर और हैप्पी पे अटैक करता है, जिसमें हैप्पी मारा जाता है और वो ज़ॉम्बी बन जाता है। अब यहाँ शेरन कार्टर किसी तरह हॉकाय से बच के भाग जाती है और हैप्पी से वो आयरन मैन का गॉन्टलेट भी ले लेती है। यहाँ फैल्कन बकी और ओकॉय पे अटैक करता है, जिसमें ओकॉय फैल्कन को मार देती है। अब यहाँ स्पाइडरमैन ट्रेन को पुल करता है और तभी स्पाइडरमैन के पीछे से ज़ॉम्बी अटैक करते हैं, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेन का वो चोगा स्पाइडरमैन को बचा लेता है और सारे लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं। अब यहाँ डॉक्टर स्ट्रेन का चोगा स्पाइडरमैन को भी पसंद करता है, और तभी हमें देखने मिलता है स्पाइडर स्ट्रेन का एक लुक, जिसमें स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेन का चोगा पहना हुआ है। और यहाँ ओकॉय स्पाइडरमैन से माफ़ी मांगती है और कहती है कि हम सबको साथ में रहना चाहिए था, नहीं तो हैप्पी नहीं मरता। अब यहाँ ट्रेन के लास्ट बॉक्स में शेरन कार्टर पे कैप्टन अमेरिका हमला करता है और शेरन कार्टर को भी ज़ॉम्बी बना देता है। तभी वहाँ पर आता है बकी, जो कि कैप्टन अमेरिका से फाइट करता है और उसको उसी की शील्ड से काट देता है, और यहाँ पर कैप्टन अमेरिका ज़ॉम्बी वाला मारा जाता है। अब शेरन कार्टर भी ज़ॉम्बी बन चुकी है, होप उसके मुंह के अंदर घुस जाती है और वहाँ से वो बड़ी हो जाती है, और यहाँ पर भी शेरन कार्टर मारी जाती है। लेकिन शेरन के मारने के बाद होप के लेफ्ट हैंड में ज़ॉम्बी का एक बाइट का निशान दिखता है, जिससे बैनर समझ जाता है कि होप पे अब ज़्यादा टाइम नहीं है, वो कभी भी ज़ॉम्बी बन सकती है। अब यहाँ होप कहती है कि तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है मेरे साथ। तभी ओको कहती है कि लेकिन कैंप लेहाई में इसका क्योर है। अब होप कहती है कि इतना रिस्क क्यों लेना कि बीच में ही अगर मैं ज़ॉम्बी बन गई तो। तभी स्पाइडरमैन कहता है इट्स नॉट रिक्स इट्स अ होप, और तुम्हारा नाम भी होप है। तभी होप उससे कहती है कि तुम इतना शांत कैसे रह लेते हो। तो स्पाइडरमैन कहता है प्रैक्टिस। उसने उसकी मॉम को, अंकल बेन और मिस्टर स्टार्क और हैप्पी सबको खो दिया। उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खो दिया। और उसकी आंट में कहती है कि हमेशा स्माइल करते रहो, क्योंकि ये दूसरों को भी खुश रखता है। तभी वहाँ पर कट आता है, जो कि कहता है कि ट्रेन का फ्यूल ख़त्म हो चुका है और कैंप ले आई कुछ ही दूर है। तभी होप कहती है ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने अपनी मॉम को वापस लाना चाहा और उनके साथ साथ ये वायरस भी आया। अब यहाँ होप जायंट वॉस बनती है और सबको अपने हाथ में पकड़ कैंप ले आई की तरफ बढ़ती है, और होप उनको कैंप ले आई में छोड़ देती है, लेकिन सारे ज़ॉम्बी उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और उसको गिरा लेते हैं। अब यहाँ ज़ॉम्बी फैंस के ऊपर से नहीं आते और ना ही उस कैंप में एंटर हो रहे हैं फॉर सम रीज़न। बट तभी हमको वहाँ दिखता है विजन, और यह सिग्नल विजन ने ही भेजा था सबको, जो कि कहता है कि मैं एक एंड्रॉयड हूँ, ऊपर से मेरे पे माइंड स्टोन है तो मेरे पास ज़ॉम्बी नहीं आते हैं। अब यहाँ विजन सबको बताता है कि उसने माइंड स्टोन को यूज़ कर स्कॉट लैंग को ठीक किया। तभी वो सबको स्कॉट लैंग से मिलवाता है, लेकिन स्कॉट लैंग का सिर्फ सिर ही बचा है। तभी यहाँ बैनर कहता है कि ये एक वायरस एक तरह का एंसोपैलोपैथी है। अब मैं आपको बता दूं कि एंसोपैलोपैथी का मतलब होता है कोई दिमागी चोट या फिर कोई दिमागी बीमारी जो ब्रेन को अफेक्ट करती है, तो इसका क्योर कहीं ना कहीं माइंड स्टोन से हो सकता है, क्योंकि वो एक माइंड पे काम करता है। अब बैनर कहता है कि अगर हम सेटेलाइट नेटवर्क से माइंड स्टोन की फ्रिक्वेंसी को वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट कर दें तो हम सब लोगों को क्योर कर सकते हैं। बट विजन कहता है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। तभी ओकॉय कहती है कि यह टेक्नोलॉजी सिर्फ वकांडा पे है, और पूरे अर्थ पे सिर्फ वकांडा एक ऐसी जगह है जहाँ पर ज़ॉम्बीज नहीं है। अब बकी ट्रांसपोर्ट के लिए बेस में जाता है, तभी वहाँ स्कारलेट विच दिखाई देती है, जो कि कांच के प्रिज़न में बंद है। तभी बकी को आवाज़ आती है टीचाला की, यानी कि ब्लैक पैंथर की, जो कि कह रहा हमको भागना होगा, ये एक ट्रैप है। और यहाँ टीचाला की एक टांग कटी हुई है, और यहाँ बैनर सिक्योरिटी लॉक को चेक करता है। तभी वो देखता है कि यहाँ विजन के सिग्नल को काफ़ी लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, पर यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है। तभी विजन का एक लुक दिखता है जो थोड़ा सस्पिशियस लगता है। तभी वकी टीचाला को लेके बाहर आ जाता है, और टीचाला बताता है कि विजन ने मुझे सैन फ्रांसिस्को में पकड़ लिया, और मैंने सोचा कि ये मुझे बचा रहा है, लेकिन ये अपनी जाने मन को मुझे खवा रहा था, मेरी टांग भी काट दी इसने। मतलब जो सिग्नल देख के जहाँ पर लोग आए को विजन ने सब बोंडा को खिला दिया। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। तो स्पाइडर कहता है कि तुमने वोंडा का क्योर क्यों नहीं किया। तो विजन कहता है कि उसकी पावर काफ़ी स्ट्रांग है, जो कि क्योर लेने से मना कर रही है। तो ओको कहती है कि उसको मार क्यों नहीं देते। तो विजन कहता है मैं नहीं कर सका, सीधे बोलता कि मैं करना ही नहीं चाहता। तभी वहाँ वोंडा आती है फुल एंगर मोड में, और आते ही कट को मार देती है। तभी बैनर विजन से कहता है कि हमें यहाँ से निकालो। तभी विजन को रियलाइज होता है कि वह गलत कर रहा था। तभी वो बैनर की बात सुनता है और माइंड स्टोन से अटैक करता है, वॉल को तोड़ देता है, जिससे सारे लोग बाहर आ जाते हैं। वोंडा ओकर को पकड़ लेती है और उसको मार देती है। तभी विजन उस बेस कैंप को वोंडा के ऊपर गिरा देता है, जिससे वोंडा मलबे के नीचे दब जाती है।
अब यहाँ विजन वेनर को कहता है कि तुम हैंगर में जाओ और वहां पर क्वाडजेट रखा है उसको लेके भाग जाओ, तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है। अब ये वही क्वाडजेट है जिसको हमने कैप्टन मार्वल मूवी में देखा था। अब यहाँ विजन माइंड स्टोन को अपने माथे से निकाल लेता है जैसे थेनोस ने इन्फिनिटी वॉर में निकाला था उसके माथे से, और वो वैसे ही मर जाता है जैसे कि मूवी में मर जाता है। विजन के मरने के बाद सारे ज़ॉम्बी जो बाहर खड़े थे वो अंदर आने लगते हैं और वो माइंड स्टोन बैनर उठा के क्वाडजेट की तरफ भागता है। तभी वांडा मलबे से बाहर निकलती है और विजन को मरा हुआ पाती है जिससे वो और भी गुस्सा हो जाती है और वो बकी को अपने मैजिक से उड़ाकर दूर फेंक देती है। अब यहाँ बैनर माइंड स्टोन को स्पाइडरमैन को देता है और कहता है कि तुम जाओ मैं इनको देखता हूँ। तभी वांडा बैनर के लेफ्ट हैंड पे अटैक करती है लेकिन ओनली लेफ्ट हैंड हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जहाँ पर हल्क अपने आप को बचा रहा है और ऑटोमेटिक बैनर की प्रोटेक्शन हो रही है यहाँ पर। और इस बात को बैनर समझ जाता है तो बैनर क्या करता है कि बैनर ह्यूमन फॉर्म में ही सारे ज़ॉम्बीज की तरफ दौड़ने लगता है और उनको इंसानी फॉर्म में ही मारने लगता है, जिससे देख हल्क भी बाहर आ जाता है और वो एकदम हल्क बन जाता है। जैसे ही बैनर हल्क बनता है वो ज़ॉम्बीज की भी मराई रखता है और वांडा की भी मराई रखता है, कहीं ना कहीं वो वांडा पे भी भारी पड़ता है। और ब्लैक पैंथर स्कॉट और स्पाइडरमैन क्वाड्रेट में बैठकर वहां से निकल जाते हैं वकांडा की तरफ। तभी ज़ॉम्बी होप क्वाड्रेट को पकड़ लेती है लेकिन टीचाला थ्रस्टर को फूल कर उससे बच जाता है। तभी ब्लैक पैंथर स्पाइडरमैन से कहता है कि तुम परेशान दिखाई दे रहे हो, तो स्पाइडरमैन बोलता है कि पिछले साल मिस्टर स्टार्क ने मुझे एवेंजर्स में ज्वाइन करने को कहा था लेकिन अब सब लोग खत्म हो चुके हैं। तभी टीचाला कहता है इन माय कल्चर डेथ इज नॉट एंड, दे आर स्टिल विद अस एज लॉन्ग एज वी डोंट फॉरगेट देम। टीचाला यहाँ कहना चाहता है कि मेरे यहाँ डेथ को एंड नहीं मानते, वो सब हमारे साथ है जब तक हम उन्हें भूलते नहीं है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है थैनोस को जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका है और उसके पास सारे स्टोन है सिवाय माइंड स्टोन के। अब जहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है, अब ओरिजिन यूनिवर्स में एवेंजर्स माइंड स्टोन को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए थे बट यहाँ ना चाहकर भी ये माइंड स्टोन डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते क्योंकि वही एकमात्र क्योर है जो पूरे अर्थ को ठीक कर सकता है। और इस बार क्या थेनोस सारे स्टोन लेने के बाद स्नैप करके सबको ज़ॉम्बी बनाएगा? और यह एपिसोड बहुत हॉरर था, मे बी इस यूनिवर्स के बचने के चांस काफ़ी कम है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय।